मुंब्रा के किस्मत कॉलोनी में कई दिनों से रोड पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है, जिसमें कई बाइक सवार राहगीर आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। किस्मत कॉलोनी के रहने वाले हाशिम ने बताया है कि एक बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोगों ने पानी की पाइपलाइन के लिए रोड पर गड्ढा खोदा था, मगर 15 दिन गुजर जाने के बाद भी इन लोगों ने काम नहीं किया और गड्ढा अभी तक ऐसे ही है। जबकि पास में ही एक नहीं दो दो स्कूलें हैं और बच्चों का इसी रास्ते से होकर आना जाना होता है। अगर कोई भी बच्चा इस गड्ढे में गिरकर घायल हुआ तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? किस्मत कॉलोनी के रहने वाले हाशिम ने इस पर क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। इसे खड्डा खोल के रखे हुए 10-15 दिन से खड्डा खोद के रखे हुए, बच्चे स्कूल के छुट्टियां, हमारे बच्चे गिर जाते हैं, बच्चों को डर खतरा है, इसका कुछ करो, बनाओ जल्दी से जल्दी, है ना बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ किस्मत कॉलोनी में। आप लोग जैसा कि देख रहे हो सामने एक माउंट मेरी स्कूल है और इधर पे एक सेंट्रल पब्लिक स्कूल है। ये आप खड्डा देख रहे हो, ये खड्डा कम से कम 15 दिन के ऊपर होने आया है। ये खड्डा खोद कर पाइप डालने के लिए खोदा गया था। मीन्स अभी मैंने इसके लिए बात किया है क्योंकि कल रात में भी एक बाइक वाला अंदर गिर गया था बेचारा, और 2-3 बच्चे स्कूल से आते जाते डेली अंदर गिर जाते हैं या धक्का लग जाता है, बच्चे लोग मस्ती करते टाइम अंदर गिर जाते हैं। कल एक बाइक का टायर अंदर चले गया, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए कैसा है, अभी इसकी बात की गई है, जिसने ये खोदा है उसने बोला है कि उन्होंने किसी से परमिशन लिया था। परमिशन लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 2 दिन का काम 2 महीना लगाओगे। अब इसमें अगर लोग रोज गिर रहे हैं, किसी को कुछ हो जाता है, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वार्ड के अंदर ऐसा देखा जाए तो ये 15 दिन तक के ऐसा, अब बीच रोड है, ये मेन रोड है, गाड़ी आने जाने का रास्ता है, और इसको इतने दिन से खोद के छोड़ दिया गया है। तो जिसने परमिशन आपको दिया है तो आप उसको दिखाइए, आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसको दिखाइए, इसका कुछ हल होना चाहिए। 15 से 20 दिन हो गए, डेली लोग गिर रहे हैं, बहुत मजबूर होकर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है।